आजि म अपन मानंकु पनीर टिका बनेक देखेबी। तबे चलंतु ए पनीर टिका बनेबा पई हमकु कोन कोन सब इंग्रेडिएंट्स दरकार फर्स्ट देखिनेबा। तेथि पई मोठी स्क्वायर शेप रो किछि पनीर को काटि के नै छि पाखा पाखी एटा 150 ग्राम रो पनीर हेबो। ता सहित मु सेमिति सेम स्क्वायर शेप रो गोटे बडो पीस को काटि के नै छि। ता सहित नै छि किछि कैप्सिकम, कैप्सिकम को भी मध्ये मोठी स्क्वायर शेप रो काटि के नै छि। एबे हमें नेक्स्ट प्रोसेस को जिबा। तेथि पई मु फर्स्ट एठी गोटे मिक्सिंग बाउल नै जाई छि। एबे सेथिरे गोटे कप दही ऐड करबा, पाखा पाखी एटा 50 ग्राम रो दही हेबो। मोठी दही ऐड कर दे छि। एबे सेथिरे दुई बडो चम्मच बेसन ऐड करबा। बेसन को एथिरे निहाते भाबे पकेबे। बेसन पकेबा द्वारा आरो कुटिंग बहुत बढ़िया से रहइबो। ता सहित स्वाद अनुसार लुणो अल्प टिके हळदी गुंड पकेइ दे छि। एबे सेथिरे अल्प टिके लंका गुंड पकेइ देबा। आपण माने आपण को टेस्ट हिसाब रे लंका ठी कम बेसी भी करि परिबे। किछि एठी मु जुवाणी फ्लेवर पई ऐड करि छि। आ ता सहित किछि धनिया पाउडर एठी मु दे दे छि। एबे आ उपरे अल्प टिके जस्ट तेल दे देबा आ ओकु प्रबल भाबे रे गोळेई कि गोटे फाइन पेस्ट रेडी करि। तो एठी पेस्ट आमर रेडी हो जाई छी। एबे रखीथिबा पनीर को आदेरे भल से गोळेबा जेमिति मसला सब पनीर रे भल से कोटिंग हे जिवो। देखंतु पनीर रे मसला सब कोटिंग हे जाई छी। एबे पनीर पार्ट को साइड करि देबा। रखीथिबा कैप्सिकम को मध्ये भल से गोळेई नेबा। रखीथिबा पियाज को भी गोळेई देबा। देखंतु मसला दिहरे पनीर, कैप्सिकम आउ पियाज पूरा भल से एठी हमर कोटिंग हे जाई छी। एबे हमें नेक्स्ट प्रोसेस को जिबा। मोठी तीनटा टूथपिक नै छी। एबे हमें पनीर टिका बनेबा पई फर्स्ट हमें टिका रेडी करबा। सेथि पई मोठी गोटे कैप्सिकम रो गोटे पीस नै जाई छी। एबे गोटे पियाज रो पीस दे देबी। तापरे पोनी थरे पनीर रो गोटे पीस दे देबा। एबे सेम प्रोसेस रे सबुतक मोठी लगाई देउ छी। देखंतु गोटे टिका मोर एठी रेडी हो जाई छी। मु आ गोटे स्टिक रे भी आको भल से लगे देउ छी। देखंतु मोर एठी टोटल 3टा एमती स्टिक बनी जाई छी। एबे त एटा रेडी हो जाई छी बनिबा पई। एबे चलंतु नेक्स्ट प्रोसेस को जिबा। आ पूर्वरु आ उपरे फ्लेवर पई अल्प टिके लेंबू देखंतु मु ऐड करू देउ छी, जा द्वारा आरो टेस्ट पूरा रेस्टोरेंट स्टाइल आसीबो। एबे मु एठी गैस फ्लेम ऑन करके फ्राइंग पैन बसे दे छी। पैन एठी मोर हल्का गरम होई गलानी। एबे सेथे अल्प जस्ट टिके तेल पके कि रखीथिबा टिका सब को पकेबा। आपण माने चाहिले तेल को पके कि पोछि भी पारिबे। मोठी तेल को पोछिनी आको एबे पकेबा आ गोटे दुई मिनट परे एपोर्ट सेपोर्ट करके उल्टौ थिबे नहले एटा अधिक पोड़े जिवो। देखंतु 6-7 मिनिट आको भल से पकेकि एमिति एपोर्ट सेपोर्ट करके उल्टेला परे केते बढ़िया आरो कलर आसिलानी। पूरा गोल्डन ब्राउन कलर एटा देखा गलानी। केते बढ़िया तो एटा देखा छै अपन माने देखि परुथिबे। एटा भी टिके टिके पोड़ी पोड़ी हि जाई छै आरो लुक तो केते बढ़िया आसी छै एठी अपन माने देखि परुथिबे। एबे तो एटा हमर रेडी होई जाई छै। मोबे गैस फ्लेम ऑफ कर दउ छी आ ओको प्लेट को सर्व करके अपन मानन को देखौ छी। देखंतु मु क्लोज अप करके देखौ छी केते बढ़िया आरो लुक देखा जाउ छी। देखिबा पई एटा जते सुंदर लागु छी खाइबा पई मध्ये एटा से टेस्टी होई थाए। तो आपण माने याको चाहिले गरम भात नहले तो रुटी नान रे मध्य खाई परिबे। आशा करूछि आजर ए रेसिपी टी आपण माननकु भल लागिथिबो। वीडियो भल लागिथिले लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु। एमिति नुवा नुवा रेसिपी सर्वप्रथमे पाइबा पई सब्सक्राइब कला परे पाखरे सुतुबा बेल आइकन को मध्य क्लिक करि दियंतु। धन्यवाद।